मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी इन दिनों जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव में बीजेपी को जीत दिलाने के लिए ताबड़तोड़ रोड शो और जनसभाएं कर रहे हैं। इसी बीच सीएम धामी ने कठुआ में जनसभा को संबोधित किया और कहा कि जम्मू कश्मीर का पहाड़ी माहौल देवभूमि उत्तराखंड जैसा है। इसी बीच सीएम धामी भावुक हो गए। भावुक सीएम धामी ने लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि हमारे प्रदेश के जवानों ने इस क्षेत्र में देश की रक्षा करते हुए अपने प्राणों की आहुति दी है। इस महान भूमि को मैं सलाम और शहीदों को श्रद्धांजलि देना चाहता हूँ। बुधवार को कांग्रेस कार्यकर्ता ने विधायक हरीश धामी के नेतृत्व में शास्त्री चौक पर बीजेपी सरकार के खिलाफ नारेबाजी की और सरकार का पुतला फूंका। इस दौरान कांग्रेसियों ने सांसद और नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के खिलाफ गलत बयानबाजी करने के आरोप को लेकर केंद्रीय मंत्री रवनीत सिंह बिट्टू, शिवसेना विधायक संजय गायकवाड़ और पूर्व विधायक तरविंदर सिंह को बर्खास्त करने की मांग की। विधायक हरीश धामी ने कहा कि सांसद राहुल गांधी देश की प्रमुख विपक्षी पार्टी के नेता और जनप्रतिनिधि हैं, उनके खिलाफ अभद्र टिप्पणी करना गलत है। भाजपा और उसके सहयोगी नेता लोकतंत्र की मर्यादा को भूल गए हैं। रवनीत सिंह बिट्टू, जिनके द्वारा लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष के रूप में राहुल गांधी जी, जिनके प्रति उन्होंने अर्नगल जो है बयानबाजी की है, और जो इनके पूर्व विधायक हैं जिन्होंने उनको जान से मारने की धमकी दी है, उनके लिए सख्त से सख्त की कार्रवाई की मांग करते हुए देश के प्रधानमंत्री जी से कहना चाहते हैं कि लोकतांत्रिक जो है पार्टी के जो है विपक्ष के नेता राहुल गांधी जी के खिलाफ जिस तरह के जो है गलत बयानबाजी की जा रही है, उनको जो है गलत बातें की जा रही है, तो केंद्रीय मंत्री को जो है तत्काल प्रभाव से उनके पद से बर्खास्त करें। शराब की दुकानों पर ओवर रेटिंग की शिकायत पर देहरादून जिलाधिकारी सबिन बंसल ने बुधवार देर शाम खुद ग्राहक बनकर शराब की दुकानों पर छापेमारी की। राजपुर रोड स्थित शराब की दुकानों पर पहुंचे डीएम ने दुकान से शराब की बोतल ली, लेकिन दुकानदार ने जिलाधिकारी को भी ओवर रेटिंग पर शराब की बोतल पकड़ा दी। इसके बाद डीएम बंसल ने शराब लेने वाले दुकान पर मौजूद लोगों से भी बातचीत की, जहां लोगों द्वारा बताया गया कि शराब की दुकानों पर ओवर रेटिंग से शराब मिल रही है। इसके बाद जिलाधिकारी ने शराब दुकान मालिकों के खिलाफ 50,000 रुपए का जुर्माना किया। वहीं दुकानदार को जैसे ही पता चला कि शराब लेने वाला ग्राहक कोई और नहीं निरीक्षण करते डीएम है, तो वहां हड़कंप मच गया। एक्साइज शॉप एसएलसीएल में काफी कंप्लेंट आ रही थी ओवर रेटिंग की, और जो हमारे और अन्य एजेंट्स हैं, बोर्ड डिस्प्ले करना, सीसीटीवी कैमरा, शॉप परमिट को डिस्प्ले करना, कौन कौन से ब्रांड्स तो उससे संबंधित बहुत कंप्लेंट्स मिल रही थी हमारे डिफरेंट क्वार्टर से। तो आज ये प्लान किया गया कि एक ही समय पर हमारे डीएम, हमारे एडीएम, एसडीएम और हम स्वयं रेड करें और इसकी सबसे ज़्यादा क्रेडेंशियल्स को वेरीफाई कर दिया जाए, और जितनी भी कंप्लेंट्स थी वो सब तक पाई गई है। उत्तराखंड हाईकोर्ट ने लालकुआं बीजेपी नेता दुष्कर्म मामले में आरोपी दुग्ध संघ के अध्यक्ष मुकेश बोरा की गिरफ्तारी पर रोक संबंधी प्रार्थना पत्र को खारिज कर दिया है। अदालत का कहना है कि ऐसे जघन्य अपराधों के आरोपी को अंतरिम राहत देने से विवेचना में बाधा पहुंच सकती है, वो सबूतों से छेड़छाड़ कर सकता है। टिहरी जिले में बड़ा हादसा हो गया। कीर्तिनगर से वाहन गहरी खाई में जा गिरा। इस हादसे में 3 लोगों की मौके पर मौत हो गई, जबकि एक व्यक्ति गंभीर रूप से घायल बताया जा रहा है। घायल व्यक्ति को पुलिस ने बेस हॉस्पिटल श्रीकोट में भर्ती कराया है। हादसे की जानकारी मिलते ही कीर्तिनगर कोतवाली से पुलिस मौके पर पहुंची और रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया। खाई में जाकर पुलिस वाहन सवार 4 लोगों को ऊपर लेकर आई, लेकिन उससे पहले ही 3 लोगों की मौत हो चुकी थी। बीते सप्ताह मनगढ़ गांव में खेड़िया खनन के कारण हुए भारी भूस्खलन से 7 मकान जमींदोज हो गए। इसके बाद कई घर खतरे की जद में आ गए। बुधवार को केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग राज्य मंत्री अजय टम्टा आपदा प्रभावित गांव मनगढ़ पहुंचे। उन्होंने आपदा प्रभावितों से मुलाकात की। मंत्री ने आपदाग्रस्त गांव और खड़िया खनन के भूस्खलन क्षेत्र का निरीक्षण किया। इस मौके पर उन्होंने गांव में आई आपदा पर दुख जताया। उन्होंने सरकार के हर संभव मदद करने का भरोसा आपदा प्रभावितों को दिलाया। बुधवार को विधानसभा भवन में शहरी विकास मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल की अध्यक्षता में बैठक का आयोजन हुआ, जिसमें नगर निगम संशोधन विधेयक में ओबीसी आरक्षण और अन्य प्रावधानों पर मंथन किया गया। प्रवर समिति की इस पहली बैठक में कांग्रेस विधायक ममता राकेश और हरीश धामी नहीं पहुंचे थे। समिति के अध्यक्ष और मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने 24 सितम्बर को एक बार फिर से बैठक बुलाई है। समिति को 8 अक्टूबर तक विधानसभा अध्यक्ष रितु खंडूरी को विधेयक पर रिपोर्ट सौंपनी है। तो ये थी आज की हमारी फटाफट न्यूज। ऐसी ताजा तरीन खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल K24 न्यूज एंड एंटरटेनमेंट को सब्सक्राइब जरूर करें, साथ ही हमारे Facebook और Instagram पेज K24 न्यूज एंड एंटरटेनमेंट को फॉलो भी करें। लेकिन मैं आपको सिर्फ ये अपील करने आया हूँ कि अगर अभी तक आपने K24 न्यूज एंड एंटरटेनमेंट चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज कर लीजिए।